वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चलशा। एंड यहाँ पे एक और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे। ये वैकेंसी है आपकी HPSC की रहेगी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग आपकी ये वैकेंसी है, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 2 अगस्त, कल ही यहाँ पे ये पब्लिश हुई है ये वैकेंसी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, ये सब इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो पोस्ट का नेम है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर के लिए आपकी ये वैकेंसी रहेगी। एंड आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करना है ऑनलाइन। यहाँ पे वेबसाइट गिवन है, यहाँ से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगी, एक लॉगिन आईडी मिलेगी। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें है होनी चाहिए, आपके पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र और आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, ये सब आपको चाहिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, फीस सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के बाद उसके साइन करना है, साइन करने के बाद उसको फिर से अपलोड करना है एंड उस स्कैन कॉपी को आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपकी अप्लीकेशन क्या मानी जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। तो जो प्रिंट आउट लेंगे उसके ऊपर आपको साइन करना है, साइन करने के बाद उसे अपलोड करना है, देन आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। वैसे तो सारी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन क्या है भाई, 2 अगस्त, कल ये आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है। ओपनिंग डेट अभी आई नहीं है, ओपनिंग डेट 7 तारीख से है, 7 तारीख से आप ये अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट क्या रहेगी, 27 अगस्त रहेगी, ठीक है। क्या डेट है, 7 अगस्त से लेके 27 अगस्त, 7 अगस्त से लेके 27 अगस्त। देन यहाँ पे देखो कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई आप यहाँ पे क्वालिफाइड हो भी या नहीं हो। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हो, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, देन आपका एक एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई किए जाएंगे, तब एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपको ये जॉब मिली है या नहीं ये कन्फर्म होगा। चलिए इतना यहाँ पे मेंशन किया है। आगे देखते हैं यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई, आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। देन लास्ट डेट हमने देखी, क्लोजिंग डेट आपकी 27 अगस्त रहेगी टिल 5 PM। देखो 5 PM जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये 5 PM एग्जैक्टली इसके बाद ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। एडमिट कार्ड आएगा आपका रिटर्न टेस्ट से पहले, उसके बाद आपको उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। देन यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपकी फीस कट हो गई, आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, कोई भी आपको डाउट है, तो आप इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आपको यहाँ पे कॉल करनी है या फिर ईमेल आईडी गिवन है। आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्किंग डेज में बिटवीन 10 and 16 आवर्स पे आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। मान लो कई बार प्रॉब्लम आती है, काफी है, हमने फॉर्म फिलअप किए हैं कि फीस कट गई लेकिन आपका रिसिप्ट शो नहीं हो रहा, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे मेल कर दीजिएगा एंड आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज। तो ये यहाँ पे इन्होंने पोस्ट शो करी है, टोटल पोस्ट रहेगी आपकी 2424। टोटल पोस्ट यहाँ पे लास्ट में मेंशन की गई है 2424। जनरल के लिए है 1273, 429, देन 361, 137, 224 टोटल पोस्ट है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 45-2024। जनरल के लिए 26 है, SC कैटेगरी के लिए 7 है, BCA में 8 है, BCB में आपकी 2 रहेगी, EWS की 4 है, टोटल पोस्ट आपकी 47 है। उसके अलावा किस किस में निकली है, बोटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, जियोलॉजी।
इन सब में पोस्टें निकली है। एंड हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर साइंस की हम स्पेशली बात करते हैं, उसी की हम प्रिपरेशन करते हैं। जनरल के लिए 26 है, देन आपकी एससी के लिए 7 रहेगी, बैकवर्ड क्लास के लिए टोटल 10 है, बीसीए की 8 एंड बीसीबी की 2, ईडब्ल्यूएस की 4। टोटल पोस्ट कितनी रहेगी, 47 रहेगी। ठीक है, टोटल यहाँ पे कुल कितनी है, 24। ये हो गई भाई कि किस किस सब्जेक्ट की पोस्टें आई है। क्वालिफिकेशन की चलो बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फाइन आर्ट एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट और मास कम्युनिकेशन को छोड़ के क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, तो देखो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी मास्टर्स में, 55% होनी चाहिए। 55% क्या होना चाहिए, आपकी मास्टर्स में होना चाहिए अगर आपकी परसेंटेज है तो। उसके अलावा अगर आपकी ग्रेडिंग में आया है तो ग्रेडिंग यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, देन नॉलेज ऑफ हिंदी या संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। थर्ड क्या है, आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, यूजीसी यहाँ पे आपका नेट करवाता है, यूजीसी नेट होता है या फिर सीएसआईआर है या कोई सिमिलर टेस्ट है, वो आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा एमफिल किया हुआ हो या फिर पीएचडी डिग्री की हुई हो, तो पीएचडी के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ और लाइनें मेंशन की है, वो आप यहाँ पे देख लेना कि भाई रेगुलर मोड में है या फिर एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ये होनी चाहिए, थीसिस इवेलुएट होनी चाहिए आपकी। ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्टेड, कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर। तो ये क्या है, जिन्होंने पीएचडी की है उनके लिए ये गाइडलाइंस गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चलिए, पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी विद रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये पीएचडी वाले देख लीजिएगा जिन्होंने पीएचडी की हुई है। उसके अलावा है फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये 55% होना चाहिए आपका और एन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन 7-point स्केल विद लेटर ग्रेड्स ओ ए बी सी डी एंड ई एंड एफ एट मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट From an Indian university or an equivalent degree from a foreign university. Knowledge of Hindi, Sanskrit, फिर यहाँ पे NET होता है या CSIR है, PhD वगैरह है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी फाइन आर्ट की यहाँ पे इन्होंने मैंशन की है। देन यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए मैंशन किया है एटलीस्ट 55% मार्क्स डिजायरेबल। अब देखो मास कम्युनिकेशन के लिए PhD यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डिजायरेबल लिखा है। उसके अलावा 2 years फुल टाइम टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी एरिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये भी यहाँ पे इन्होंने डिजायरेबल में डाला है। देन नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत रहेगी, नेट या फिर CSIR, PhD यहाँ पे कॉल होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ये हो गई क्वालिफिकेशन। मेन क्वालिफिकेशन ये है कि भाई 55% आपका मास्टर्स में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत होनी चाहिए आपकी हायर एजुकेशन या फिर मैट्रिक में। उसके अलावा आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, CSIR है तो CSIR क्वालिफाई होना चाहिए या फिर कोई और इसके इक्विवेलेंट टेस्ट है तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए। देन आपका PhD MPhil है तो वो यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी हो वो चलेगा। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन रूल्स गिवन है कि भाई 55% इन्होंने मांगा है, लेकिन काफी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है कि भाई किन किन के लिए 50% चल जाएगा, तो वो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे PhD डिग्री होल्डर्स है, ये कुछ पॉइंट्स है जिनको रिलैक्सेशन चाहिए, जिनका 55% नहीं बन रहा है तो उनके लिए 50% यहाँ पे मिनिमम रखा है, रिलैक्सेशन दिया है 5% का, तो उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन कौन से पॉइंट्स है। ठीक है, 3 points में इन्होंने मेंशन किया है। क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कैसे यहाँ पे आप गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अपना क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे कि या तो एवरेज आपका 55% हो मार्क्स, एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 of the 4 एग्जामिनेशन नॉट बिलो मैट्रिक और इक्विवेलेंट, 4 एग्जामिनेशन में से किसी भी 2 में क्या होना चाहिए, एवरेज 55% होना चाहिए अप टू मास्टर डिग्री और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेटली। फॉर डिटरमाइनिंग गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन 2 एग्जामिनेशन इज डिफरेंट देन द एवरेज ऑफ परसेंटेज इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द मार्क्स ऑब्टेंड इन 2 एग्जामिनेशन बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन दोज 2 एग्जामिनेशन। तो एक बार अपना कैलकुलेट कर लेना, ये 2 पॉइंट यहाँ पे गिवन है कि आपका इनके अकॉर्डिंग कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। फिर यहाँ पे ये रिलैक्सेशन रूल गिवन है, ये एक बार रीडिंग ले लो भाई, जिनको भी रिलैक्सेशन चाहिए वो एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए।
लास्ट डेट बात हो गई है भाई 27 अगस्त, इसकी लास्ट डेट रहेगी शाम को 5 बजे तक रहेगी, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड यहाँ पे 4 गुना पोस्ट जितनी निकली है उससे 4 गुना को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं क्या है। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम शुड बी पोस्ट बाय द कैंडिडेट और बिफोर। एक यहाँ पे देखो कि कोई क्वालिफिकेशन है, कोई भी आपका सर्टिफिकेट ऐसा है उस वो आपकी आप अगर वहां पे मेंशन कर रहे हो ना तो उसके ऊपर जो डेट होनी चाहिए ना, मतलब कि आपने वो चीज, आपने वो सर्टिफिकेट आपका इशू हो चुका है कब तक, 27 अगस्त तक वो आपको इशू हो जाना चाहिए। 27 अगस्त के बाद के यहाँ पे ये उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 27 अगस्त से पहले पहले आपको क्या करनी है, अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे कि अगर मान लो आपने किसी मार्क्स मिस कुछ डाला हुआ है, चेंजेस करने के लिए आपके मार्क्स बढ़े हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है तो वो 27 अगस्त के बाद नहीं माना जाएगा, 27 अगस्त से पहले ही आपको अपनी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना है। देन यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर द मिनिमम एंड मेयर पोजीशन ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट शुड मेंशन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड ओवर एंड अबोव द मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे ये बात करेंगे किसकी, पैटर्न ऑफ एग्जाम्स की। फर्स्टली आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टोटल आपके क्वेश्चंस आएंगे 100, 2 घंटे का टेस्ट होगा, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे एंड उसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। एनी कैंडिडेट नोट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल, टोटल 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे आपने किसी भी को कैंडिडेट ने सर्कल ही नहीं किया कितने में, 10% क्वेश्चंस में, तो उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा, 1/4 मार्क रहेगा फॉर रॉन्ग आंसर। एग्जामिनेशन का मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा इन सब्जेक्ट के लिए, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। बाइलिंगुअल रहेगा, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपका वोकल, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड टूरिज्म। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, वो इनकी ओन लैंग्वेज में ही रहेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि 4 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू के लिए नहीं। ऊपर मैंने इंटरव्यू बोला था, इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो आपका एक टेस्ट और होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके लिए 4 गुना बंदों को बुलाया जाएगा एंड यहाँ पे स्क्रीनिंग में आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज लेस और नियरली 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये पॉइंट में कह रहा है कि भाई मान लो किसी पोस्ट के लिए 4 गुना से कम बंदे हैं, मतलब इतने यहाँ पे है ही नहीं कि उनका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए, तो उनको डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, वो केवल शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो आपका स्क्रीनिंग में मिनिमम आपको 25% चाहिए, फिर चाहे आप कितने भी ले आए, अगर आप उस 4 गुना वाली लिस्ट में आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का रहेगा, 150 मार्क्स रहेंगे, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही है इन सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश, यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा, ये इनकी ओन लैंग्वेज में रहेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। अब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 2 गुना बंदों को बुलाया जाएगा एंड they have secured the minimum cut-off marks of 35%. Minimum cut-off marks यहाँ पे mention किया गया है 35%. ठीक है, weightage of the subject knowledge test 87.5%. 87.5 आपका subject knowledge से लिया जाएगा, 12.5% weightage रहेगी interview या viva की। यहाँ पे आपका interview लिया जाएगा, document verification वगैरह किया जाएगा। subject wise syllabus अभी तक आया नहीं है, वो separately HPSC website पे आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दोज हु क्वालिफाई स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
फिर यहाँ पे स्केल गिवन है, ठीक, ये पे स्केल है। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है नेशनलिटी के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा एज लिमिट गिवन है, एज लिमिट यहाँ पे 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड रिलैक्सेशन का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 ईयर्स का गिवन है, तो जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो यहाँ पे देखे। SC कास्ट के लिए है 5 ईयर्स का, BC के लिए है 5 ईयर्स ओनली। हरियाणा, हाँ, डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है उनको। वाइव्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस 5 ईयर्स, विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिजाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर, इनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन, एक्स सर्विस मैन इंक्लूडिंग शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर। Persons who have already worked or presently working on ad hoc contract work charged daily wages basis in any department board corporation of Haryana, तो इनको भी क्या है 5 years का relaxation given है। चलिए आगे देखते हैं, reservation rules दिए गए हैं यहाँ पे SC, BCA, BCB के लिए, EWS, PW, BD, ESM category इनके लिए यहाँ पे reservation rules है। तो रिजर्वेशन रूल्स एक बार देख लेना। एक यहाँ पे देखिए BCB के लिए यहाँ पे था, द वुमेन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन अंडर SC, BCA, BCB कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम फादर साइड ओनली। अगर यहाँ पे SC, BCA, BCB के लिए कोई वुमेन कैंडिडेट यहाँ पे रिजर्वेशन के लिए कह रही है तो उसको फादर साइड की तरफ से क्या दिखाना है, अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। ये यहाँ पे एक पॉइंट था, उसके अलावा बाकी के आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है पॉइंट क्या रहेगा हमारा, ये सारे रिजर्वेशन के रिगार्डिंग रूल्स हैं। यहाँ पे देखिए, द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और देयर फैमिली मेंबर्स अगेंस्ट, तो ये इनके लिए रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सिलेबस अभी आया नहीं है इसका। अप्लीकेशन फीस देखिए, यहाँ पे मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 1000 रहेगी फॉर जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ द एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट ऑफ बिलोंगिंग बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू क्रिमिलेयर या मेल कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, उनके लिए 1000 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रहेगी और मेल कैंडिडेट SC, BCA, BCB जो रिजर्वेशन में आ रहे हैं उनके लिए भी 250 रहेगी। तो ये फीस है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स उनके लिए निल रहेगी, ये फीस रिफंड हो जाएगी जब आप एग्जाम दोगे तब। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनको फीस रिफंड नहीं होगी, जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की है उनका रिजेक्ट कर दी जाएगी अप्लीकेशन। अगर आपकी फीस एक बार पे हो जाती है तो वो दोबारा शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस नॉर Can the fee be held in reserve for any other examination or selection? तो ये instructions given है, एक बार देख लीजिएगा। एंड इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे मैंशन था कहीं पे, कि मान लो आप अपने application form fill कर देते हो, submit कर देते हो and उसमें आपको कोई doubt है कि कुछ mistake हो गई है, तब आपको क्या करना, आप एक fresh application डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर से fees submit करनी पड़ेगी। अगर आप एक से ज़्यादा fee अपने applications डालते हो, मान लो किसी बंदे ने 3 बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, तो जो उसका हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर होगा, जो सब आपका कंप्लीट है, उसको वो क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है, हाईएस्ट जो एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि हर बार आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा तो वो उसको सही मानेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil PhD की कॉपीज चाहिए, नेट की कॉपी चाहिए, यहाँ पे SC सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा चाहिए, BCA BCB सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, देन यहाँ पे DESM सर्टिफिकेट, ESM DFF सर्टिफिकेट, PWBD आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र की कॉपी होनी चाहिए अगर रिजर्वेशन चाहिए तो, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर रिलैक्सेशन ले रहे हो एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो यहाँ पे कॉपी होनी चाहिए आपके पास उसकी, ठीक है। तो जिन जिन का आपने यहाँ पे आप सर्टिफिकेट लगाओगे उन उनकी आपके पास क्या होनी चाहिए,
स्कैन कॉपी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए कोई एम्प्लॉयर है तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो ये सारी इसके रिगार्डिंग डेट है, सारे इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे कर ली, जितने भी मेन मेन पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखे थे। 31 पेजेस है ये एडवर्टाइजमेंट का, एंड ये एडवर्टाइजमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्टली आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। रही बात सिलेबस की, वो अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुई, आप अपनी एप्लीकेशन को क्या नहीं कर सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।